किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भाजपा सरकार को एक बार फिर से चेतावनी दे दी है कि अब भी वक्त है, लोकतंत्र की हत्या ना करो और जल्द से जल्द किसानों की मांगे मान लो। जी हाँ, दरअसल बस्ताड़ा टोल पर हुए लाठीचार्ज मामले में गुरनाम सिंह चढ़ूनी करनाल में पूर्व जस्टिस एसएन अग्रवाल के सामने बयान दर्ज करवाने पहुंचे थे, जहां उन्होंने संसद कूच का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार को चेतावनी दे डाली। चढ़ूनी ने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार में इतना लंबा आंदोलन नहीं चला करते, इसलिए भाजपा सरकार के पास अब भी वक्त है, वो किसानों की मांगे मान ले और लोकतंत्र की हत्या ना करे। दोषियों के खिलाफ ही कार्रवाई की बात कर रहे हैं हम, कौन से ये थोड़ी कह रहे हैं किसी से अवैध कर दो। जो लोकतंत्र कहता है, जो किसी ने गुनाह किया है उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। उस पर कार्रवाई नहीं होती है तब हमें कुछ करना पड़ता है, जैसे करनाल की घटना है। अगर ये उस SDM को सस्पेंड कर देते, अगर ये तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते, जिन जो दोषी पुलिस अधिकारी थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते, तो हमें आंदोलन करने की करनाल में ना जरूरत पड़ती। उसी लिए आंदोलन करना पड़ता है कि जब सरकार जो न्याय नहीं देती है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ही आंदोलनकारी किसान हैं और वो अपनी जिद पर अड़े हैं, अगर जिद हटा देंगे तो फिर समाधान भी निकल जाएगा। नहीं, हम ये कहते हैं कि जिद पे सरकार अड़ी है। जब देश का किसान मांग रहा है हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो सरकार जबरदस्ती को थोप रही है। एक तरफ वो कहते हैं किसानों का फायदा होगा, किसान कह रहे हैं हमें फायदा नहीं चाहिए, तो सरकार कोई जबरदस्ती फायदा करेगी हमारा? तो जिद पे सरकार अड़ी हुई। कोई बात अपनी तरफ से आप रखना चाहते हो? अपनी तरफ से तो हम ये रखना चाहते हैं कि अभी टाइम है, BJP को समझ जाना चाहिए, अभी किसानों की बात मान ले। लोकहित में लोग लड़ रहे हैं, 700 किसान बैठे बैठे शहीद हो गए हैं और ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या। बता दें कि 26 नवंबर के दिन किसान आंदोलन को एक साल पूरा होने जा रहा है, जिसके चलते किसानों ने 29 नवंबर को संसद कूच करने का ऐलान कर दिया है। किसान नेता संसद कूच को लेकर अपनी तैयारी और रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बीच गुरनाम सिंह चढ़ूनी की इस चेतावनी का सरकार पर कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। करनाल से KCR है, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।